जावड़ेकर जी मामा, लगता है लोगों को प्रॉब्लम है, इसके लिए इतना मेल आया। मामा बोल बच्चन छोड़ो, दवाई खा लो। Oh, what the hell? सब blur blur दिखता है जावड़ेकर। मुझे लगता है आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया होगा मामा। मेरे को इतना नींद आता है कि मैं कांटे पे भी सो जाएगा। अभी मेल को लगाओ टेल। मैं तुमको $1 million दिया, उसका हिसाब मांगते मेरे को, अभी का अभी मांगता है। यू नो यूएस में हमारा 116 शौचालय चलता है, लेकिन उसका प्रॉफिट कभी नहीं रखा, वो आल्टा में लगा। नमस्कार झंडेश्वर रेड्डी, हम भी आपकी तरह क्या कर रहे हैं। जावड़ेकर तुम्हारा गोली कमाल का, बहुत नींद आता है हमको, रोज देने का ऐसा गोली। तुम्हारे कैलिफोर्निया यूनिट में धोखेबाजी करने वाले रॉबर्ट को रास्ते से किसने हटाया? मैंने। उसके लिए तुम्हारे दोस्त राजवीर ने 50 करोड़ देने के लिए कहा था, अब वो पैसे कौन देगा? मिस्टर बलवंत राय, ये रॉबर्ट कौन है? ये तो वही बात हो गई कि 5 करोड़ की चरस उधार में लेकर पीकर हवा में उड़ा दी, और जब पैसे देने की बारी आई तो कहा कि अरे वो तो जलकर आसमान में जाकर बादल बन गई। सर अब क्या बकवास कर रहे हैं? तुम्हारा मुंह है या गटर, जब भी मुंह खोलते हो तो बकवास ही करते हो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या लगता है तुम्हारे दोस्त राजवीर की मौत नेचुरल तरीके से हुई? उसे प्लानिंग करके चालाकी और बेदर्दी से मारा गया है, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ लिखा है, पढ़ लेना। जब भी एक जिगरी दोस्त गुजर जाता है तो बहुत दुख होता है, और अचानक किसी भयानक हादसे में गुजरे तो डर भी लगता है, वो इसलिए कि आली रे आली, कहीं अपनी बारी तो नहीं आली। जिस तरह नागिन नाग देवता के फन मरोड़ने वाले के पास पहुंच जाती है, उसी तरह एक दिन वो भी तुम तक पहुंच जाएगा। तो क्या करना चाहिए? अब तू आया मेरे लपेटे में। मैं वो प्राणी हूँ जो पैसे की पहले और भगवान की पूजा बाद में करता है। अब बताओ किन किन लोगों से तुम्हारी रूह कांपती है, वही लोग मुझे केबीसी का विनर बनाएंगे। विलियम को हमने बिजनेस में 5 करोड़ का चूना लगाया, डिसूजा की बीबी सूजी को हमने जान से मार दिया, और चार्ल्स को हमने लॉकअप में ही अपाहिज बना दिया। दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, तो उन्हें छोड़ नहीं सकते, एक एक करके मारना पड़ेगा, उन्हें खर्चा होगा। एक छोटा सा खटमल और है, पर काटना नहीं जानता। दिमाग बहुत बड़ा होता है, लेकिन एक छोटा सा अंटा पूरे दिमाग को घुमा देता है। तू पता बता, एड्रेस मैं खुद ढूंढ लूंगा। प्लान फेल हुआ तो हम उन्हें ऐसे मारेंगे कि उनके परिवार का एक मेंबर भी नहीं बचेगा। ओके, इसके पीछे कौन सा उल्लू है? कल उसकी गर्दन मेरे हाथों में होगी, उसके बाद डील लॉक होगी। चंदू सर, पूछ के फायदा नहीं, फिर भी बताइए डील लॉक होगी या नहीं? बुरा मत मानना, नहीं होगी। हाँ, तू अगर FBI में नहीं होता ना तो पूरी बनाकर सिंह चना बेचता। चल। मेरे माँ बाप ने सिखाया था, भरोसा किसी पर मत करना। मैंने तो SSC फेल होने के बाद ही माँ बाप पे भरोसा करना छोड़ दिया था। डेविल को बुलाओ, हमारा एक भी दुश्मन बचना नहीं चाहिए। बैरोस में कोई हाथ नहीं है। झूठ मत बोल। चार्ल्स, राजवीर को तूने मारा ना? नो। पैसे की फिक्र मत करना डेविल, काम पूरा होना चाहिए। तुम मेरे को एक हेल्प देगा? पैसा मिलेगा तो देगा। डिसोजा सच सच बता दे। मेरे को मालूम नहीं मैन। वेल डन डेविल, अब सिर्फ अमर बचा है। क्या आप मुझे अमर के बारे में कुछ बता सकते हो? सॉरी, अमर का नाम रिकॉर्ड में नहीं है। इम्पॉसिबल। क्या? हे डेविड, तुम्हारे सिस्टम में अमर का रिकॉर्ड है? चेक करता हूँ। एक लिस्ट में चेक करो। नो सर, अमर का रिकॉर्ड नहीं मिला। इम्पॉसिबल, ऐसा आज तक नहीं हुआ। अरे गजा गज गज, मेरा मतलब घटो गज, इससे अच्छा चिकन तो चारकोप नाके पे मिलता है। यहाँ ओबामा नाश्ता करता था और ट्रम्प डिनर्स, लेकिन लंच तो टपरी पे करते थे। इसको मालूम नहीं ये बात। मैंने सट्टा लगाया हुआ है, देख अभी चौका लगेगा। That one's caressed away as well. That one's over. अरे तेरे को कैसे मालूम चौका मारेगा? ये देख, इस पे पहले बताता है और टीवी पे बाद में आता है, किसी को बोलना नहीं। लाल दिखा, ये ऑनलाइन सट्टा खेल रहा हूँ मैं। यार ये जुगारिया का सट्टा शुरू करो, चलो पहले सेट डाउन फिर सट्टा लगेगा। अरे क्या महिला क्या शॉट मारा है, लगता है सुबह सुबह कांदा भजिया मार के आए। अरे है कुछ सट्टा खेले, हम लोग है ना खेलते हैं सट्टा। नेक्स्ट बॉल का भविष्य बता। जनाना जी टांग छक्का है, मेरा दिल बोलता है आउट होएगा। भेंडी, तेरा बाप भी कभी सट्टा खेला क्या? ये देख मेरा $1,000, चल अभी तू डाल, चल।
वो नहीं हो गई, ले जेब में डाल। इतना दुलूत निकलेगा। अगली बॉल पे क्या होगा? एक ही बॉल में भाग के 3 रन निकालेगा। क्या? भाग के 3 रन निकालेगा? हाँ। अरे गर्मी का टाइम है, 2 रन ही भागेगा। ये मेरा $1000। ये पहला रन लिया, ये दूसरा भी ले लिया, ये थम थम, ये तीसरा बंदे तेरे को चक्कर आ गया। ये मेरे को चक्कर आ गया रे। या तो फुल प्लेट या तो अटैक। जबरात क्या बोला रे? अपना पूरा माल सट्टे में लगा दो, हारा हुआ पैसा वापस। अरे कोई ऑफर दे मेरे को। गुड़ी पाड़वा ऑफर है, रन आउट नहीं हुआ तो पूरा पैसा वापस। अरे ये तो मेरे लिए जैकपॉट है। अरे ये ले मेरा दीप लक्ष्मी बैंक का क्रेडिट कार्ड, विजिटिंग कार्ड, पूरा बैंक बैलेंस, 0 बैलेंस कर। सोने की जंजीर, हाथ की चूड़ी, उंगली की अंगूठी, रोलेक्स वॉच भी चाहिए। मलदाएगा ये 50 तोले का साख लिए। अभी मैं जॉकी उतरेगा नहीं, बाद में देगा। मेरी जिंदगी तुम लोग के हाथ में, आराम से। रुक जा रुक जा, बॉल उसके हाथ में। तू गेम से आउट? नॉट आउट है रे हावले। इसमें क्रिकेट का सरताज अखबारस्तान। ये हैदराबादी कौन है? दम बिरयानी होगा। आओ लुटने वाली कुर्सी पे सिट डाउन। बैठो बैठो। ये झिंगुर निकल, कमा के आ, फिर आना लुटाने। तशरीफ का टोकरा रखिए, दोनों मैच आ देखिए, मजा आएगा। अरे क्या कर रहा है, नवा बकरा है, खुल नहीं रहा यार। ये वही बात हुई, पिशाबा लगे और नाड़ा नहीं खुल रहा। नाड़ा खुले ना खुले, आप शुरू हो जाओ ना। आप मारेगा छक्का, दुश्मन का जाम होएगा चक्का। मैं शर्ट लगाऊंगा, इसको मैं रहूंगा, इसको मैं रहूंगा। एक मिनट रुको, मैं रहूंगा। 1000 की लग गई। ये क्या करते हो बाबा, सोच समझ के खेल। वो धोनी अभी खेलने को उतरा है, पहले बॉल पे छक्का नहीं मारेगा वो, अगली टांगा उठा के देगा उन्हों। आओ नवाब साहब आप लगाओ। 4 मीनार की खसम, चौवा लगेगा। नवाब गए, अब देख सारा पैसा रिकवर करता हूँ। गुड लक। अरे बाबा रे बाबा, अरे तेरा सुन लिया रे ऊपर वाले ने, अरे तेरे नाम का व्रत रखेगा। ये ले पोछने का पेपर। हाँ ठीक है, मेरे पास एक बम्पर ऑफर होना। कैसा ऑफर? माला माला ऑफर, धमाल फोड़। अगली गेंदा पर छक्का ही छोना, नहीं तो आधा हैदराबाद तुम्हारा। और हार गया तो मैं निजाम का सोने का हुक्का तुम लोगों का दूंगा, पाइप, चिमनी और तेरे को निच्चू का प्याला। तल अगल मुद्दे कोयला देंगे ना तो भी मेरे को तलेगा। चुप है, एक नंबर का पनौती है, तेरी वजह से हम लोग हारे। धोनी का ऑफसाइड सिक्सर इम्पॉसिबल है। मेरे पापा हमेशा कहते थे जुए के पैसे में बरकत है। उन्होंने जुए के पैसे से 4 कसिनो खरीदे और मेरे नाम कर दिए। हम लोग ही विन है, लगाओ रे। नवाब तू औकात से ज्यादा खेल रहा है, अगर हार गया ना तो मेरे को अटैक की जा जाएगा। इतना फिकर काय को हावले, अल्लाह हमारे साथ है ना। तेरे बाप ने कभी क्रिकेट खेला था? तेरी वजह से सट्टा हार रहे हैं। मेरा बाप बोलता था तेरी माँ ने तेरे को वानखेड़े स्टेडियम में पैदा किया था क्या? जब तेरा बाप मैच देखता था तब धोनी इंडियन टीम में खेलता था क्या? मौत बंद कर, तू बंद कर। मैं अपनी चट्टी तक हार गया। चट्टी भी? अरे बंद कर एक्टिंग, वरना तेरी चट्टी फाड़ता हूँ। दोनों हाथों से मुट्ठा भर कर निकलने भी है। अरे मेरा मुट्ठी बहुत बड़ा है, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। वो लोग अगर हारते तो तुमको हटाया जाता। अरे गॉगल में मैं बहुत सुंदर लगता हूँ, ऐसा औरत बोलती है। ये भी ले लेता हूँ, ये सब जाके दीप लक्ष्मी बैंक में रख देता हूँ। इतना सब हार गया, फोन भी दे देता। खोल के दिखाया तो फोन तेरा। चोर के घर में चोरी? मेरा ननियाल चोर बाजार में रे, और ननियाल रेस कोर्स के बाजू, और मेरे अम्मी का निकाह बहुत बड़े सट्टेबाज से हुआ था ना यारो। तुम लोग सांप सीढ़ी खेले, मैं ना जिन सीढ़ी खेला। ये तो जेब भी मार गया और डायलॉग भी। जैसे तुम लोग चीटिंग कर लेते ना, वैसे ही उसने भी चीटिंग किया। उसकी आंखों में स्कैंडल मचीन थी, पूरा स्कोर बोर्ड याद कर लिया। ऐसा करते तूने देखा था उसको? अत्ते ते देखा था। तो पहले टेल क्यों नहीं किया? अरे बोलता तो वो तुन लेता ना, तो मैसेज कर देता, मोबाइल उसके पाता तो किसको करता। ओके यार सॉरी, माफ कर दे। मेरे हिसाब से राजवीर को जिसने मारा है इनमें से कोई भी नहीं है। ऐसा कुछ बता जो हमें पता ना हो। क्या बोल रहे हो? तो कौन है वो चूजा जो तुम्हारी लिस्ट में नहीं था? अमर। करेक्ट, अमर। वो जेल से छूट गया क्या? हाँ, क्या नॉलेज है। वो सुना है ना, खरबूजे के साथ खरबूजा भी रंग बदलता है,
उसके साथ भी यही हुआ। अब सोचो, एक सीधा साधा बच्चा जो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल जानता हो, अगर 14 साल तक गुंडे मवालियों के साथ रहेगा तो उसका क्या होगा? जेल एक तरह की क्राइम सीखने की पाठशाला है, जहां पर क्राइम के एक से एक प्रोफेसर मौजूद रहते हैं। बस ये समझ लो कि उसने जेल से क्राइम की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली और एक गुंडा बनकर बाहर निकला। कोई भी नहीं जानता वो कहां रहता है, कैसा दिखता है और क्या करता है। मां कसम बोलता हूं, तुम्हारे सरों पर एक नंगी तलवार हिचकोले ले रही है। पिज्जा डिलीवरी बॉय की तरह मौत भी तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रही है। अब बोलो, जान बचाने के लिए अपनी हराम की कमाई में से कितना मुझे डोनेट करोगे? तुम्हें बताओ। तुम्हारी जान की कीमत क्या है ये तो तुम्हें ही पता होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए। इतना सस्ता है तू? आज पता चला तेरे करोड़ों रुपयों पर ऐश करने के लिए तेरा सेहतमंद रहना और जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सोच समझ के अमाउंट बोल। इसको हम किस लिए पैसा दे रहे हैं? हम खुद मार सकते हैं ना। तुम लोग ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हें बिल से बाहर निकालने के लिए वो खुद एक सपेरा बनकर आ चुका है। तुम्हें नाचना है या उसे नचाना है, अच्छी तरह सोच लो। जिंदा रहे तो फिर पैसे कमा लोगे, मर गए तो समझो मर गए। 50 करोड़। ये बात, उसे सबसे बड़ी गोली से मारूंगा। ये बलवंत नहीं, बलवंत का बल बोल रहा है। डन। शादी के लिए जो पैसे रखे थे जुए में हार गया। वो तो है। अब कौन देगा लड़की? अरे तुम तो पूजा आरती हूँ जी, इवेंट मैनेजर, और ये मेरी टीम। आई एम सुलभ चाटेकर, यहाँ का खजांची, पैसे का रक्षक मैं ही हूँ। नमस्ते जी। क्या सजावट है, बिल्कुल आपकी तरह चिकनी। ओह, मोनी ने किया है। नमस्ते। और दीवार पर अच्छा चुना मारा है, मेकअप के फाउंडेशन जैसा। पसंद आया? सोनी ने किया है। नमस्ते। तुमने पिछले साल जो लालबाग के गणपति के पंडाल का डेकोरेशन किया था, उसे देखकर ही तुम्हें ये काम दिया। शायद आपको पता नहीं, ये मेरा पहला इवेंट है। आपके रेज्यूमे में पढ़ा था, इसने बनाया होगा। हमेशा गलती करता है। मेरे से सुंदर लड़का कभी आपको छेड़े तो मुझे फोन करना, 24 घंटा आपकी सेवा में। सो स्वीट। हाथ धोया हो तो मिला लो ना। गंदे हैं। एक मिनट, मैं भी हाथ धो के आती। अच्छे से धोना, यहीं रहना। अगर इसे छू लिया तो इसके स्किन पे दाग आ जाएगा। ये मेरे लिए बनी है। ये झंडे चोर रेडी ने क्या खाना ऑर्डर दिया? ये टकले मजा रहे ना। Squeeze me ladies, come here. मैंने कहा था दाल चावल देना, तुमने तो बिरयानी दे दी। हाँ? अगर प्रॉफिट में से नुकसान होएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तुम लोगों के राहों पे छनी खटिया डाल के लेट गया। चुप है। तो देखो सोनी, दुनिया में लोग काम कर रहे हैं तो पैसे के लिए। उसे दाल चावल की जगह बिरयानी खिलानी थी तो परमिशन लेती। हाँ? तुम जैसे लुखों से वो परमिशन मांगे, इतने उसके बुरे दिन नहीं आए। क्या? उसने अपने पैसों से मेहमानों के लिए डिलक्स रूम बुक करवाया और हैदराबाद से बिरयानी भी मंगवाई है। जिसके खुद के पगार के वांदे हैं, वो इतना खर्चा कैसे कर सकती है? Excuse me, पूजा बचपन से ही एक करोड़पति है। और सुन, तू भी लंगर में लग जा। Let's go girls। ले लेकर, चल चल कर, पेट भर कर खाना खाते हैं। गच 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 खाएंगे। क्यों बेटा, उसके सामने तेली औकात बिकाली की है, अब क्या कहेगा? एकदम सिंपल है बेटा, उससे ज्यादा अमीर बनने के लिए मैं बैंक से लोन लूंगा। वो बल्ब उड़ गया है क्या? देखो पूजा बेगम, मेहमानों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, फिर भी क्या पकवान खिलाए ना, तुम्हारा दिल गुलाब जामुन की तरह है। मैंने झांक के देखा। आजकल तो लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं, लेकिन तुम वैसे नहीं हो, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। रू बागवान हो गई। एक बात है जो मुझे बार बार चींटी की तरह काट रही है। जेल से निकलने के बाद वो विक्रम को आसानी से मार सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। विक्रम को ना मार कर उसने राजवीर को क्यों मारा, ये बात फीडो। ऐसी ही अंगूठी राजवीर के पास भी थी? हाँ थी। अगर राजवीर की लाश से कुछ गायब था तो वो थी अंगूठी। मतलब साफ है, अंगूठी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। इस अंगूठी के पीछे की पूरी कहानी मैं जानना चाहता हूं। सब समझ में आ गया, बहुत ही जल्द वो तुम सबको मार डालेगा। मुझे बहुत अफसोस है मिस्टर विक्रम तलवार, उसका अगला टारगेट तुम हो। क्या? आज से मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगा। सर, हमें मारने वाले पे फोकस करना चाहिए। क्लाइंट को खुश रखने के लिए बोलना पड़ता है, उनकी जेब से पैसे निकालना आसान नहीं है। अपने बाप का क्या जाता है, उसे मरना है तो मर जाए। समझा गया? समझ गया। दाएं गाल पे थप्पड़ खा के बाएं गाल को आगे करने वाले, इस धरती को वर्ल्ड वॉर से बचाने वाले, फ्यूज बल्ब को जलाने वाले, 4 बार वेल्डिंग अवार्ड जीतने वाले, पॉल की 21वीं संतान, पोर्टेबल वेल्डिंग मशीन,
मिस्टर पॉल स्टिच के लिए जोरदार तालियां। अबे इधर ला दे सर, वापस कर देना। कांग्रेचुलेशन, ये मैयत से उठा दे। हाँ सर, वापस देना। उसको ब्लेसिंग्स दे रहा है। मैं भी देखे हूँ क्या, वो एक दिन में एक से लेती है। पॉल इज ग्रेट, ऊपर बैठे मेरे बाप को नीचे से प्रणाम। गांव के सरपंच से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक कोई भी मेरे आशीर्वाद के बिना जीत नहीं सकता। और अगर लगता है मैं फेंकू हूँ तो कोई भी पेपर उठा लीजिए, हर जगह मेरी फोटो मिलेगी। यहाँ तक कि मस्त राम में भी मेरी मस्त फोटो है। पॉल इज ग्रेट, जब मैं उनसे टेलीपैथी पे बात कर रहा था तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि हावड़ा ब्रिज पर डेंट पड़ गया है। आई वॉज शॉक्ड, इसमें मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, बेटा जब तू बचपन में वेल्डिंग सीखता था तो बहुत अच्छे टांके लगाता था, एक टांका हावड़ा ब्रिज पे भी मार और उसे बचा ले, क्योंकि दुनिया को बचाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने मुझे दे दिया। जब एक एरोप्लेन में पेट्रोल खत्म हो गया तो मेरे बाप ने मुझसे कहा कि जाके पेट्रोल भर दे और उस प्लेन को बचा ले। लेकिन मित्रों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने पेट्रोल की जगह सीएनजी डाल दिया। अपनी फ्रॉड फंदा कंपनी में इसको भी काम पे रख ले वे क्या? मैंने भी सोचा था, लेकिन एक छोटा सा लोचा है। ऐसा लोचा? ये वो छाना है, ये हम सबको बाटली में उतार के बुझ लगा के समंदर में छोड़ सकता है। एक नंबर का राक्षस है। फिर ये संत के भेष में क्यों आया है? आजकल शांति तो लोगों की दुनिया करते हैं झंड। वैसे सैटरडे को स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है। दुनिया में शोर है, लाइफ बड़ी बोर है और देश का रखवाला चोर है। इस मंत्र को दिन में 15,72,000 बार पढ़े, फिर समस्या ही नहीं आपकी जिंदगी भी समाप्त हो जाएगी। बोल रहा हूँ ना डैडी, मेरा बाप देवी दर्शन के लिए यूएस गया, तब उसने बुश को सूखा बैर दिया, वही चूस के वो प्रेसिडेंट बना। उसके बाद ओबामा को भी चुलबुली हुई, मेरे बाप ने उसे सूखी मूंगफली दी, चबाते ही प्रेसिडेंट बना। हिलेरी को भी कुछ दिया था लेकिन वो ली नहीं। मेरा बाप इतना पावरफुल था कि मूंगफली के खेत में अनार उगाता था और वही मूंगफली खिलाकर बकरे से अंडा और मुर्गी से दूध निकालता था। वैसे दूध तो वो बहुत निकालता था। ओहो, नहीं बताऊंगा। अगर आप सुगंधित जीवन बिताना चाहते हैं तो रोज लोबान जलाएं। चुप है, वैसे अगरबत्ती भी चलेगी। वाह, मजा आता है।